अम्बेडकर वादी लोग और पूरी दुनिया के तमाम सेकुलर लोग आज अगर किसी पे उम्मीद लगाए बैठे हैं तो बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं आदमी की 300 उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके द्वारा किए गए लगातार आंदोलनों से, आपके द्वारा किए गए सरकार के खिलाफ जब भी सरकार ने कोई अत्याचार किया, आपने जो आवाज बुलंद करी उससे पूरी दुनिया में ये मैसेज है। मैं तमाम देशों के लोगों से बात करता हूं, गॉल फोन पे आते हैं, मैसेज पे आते हैं, उनके पत्र मुझ पे आते हैं, उनके मेल मुझ पे आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आज इस मुल्क को कोई बचा सकता है तो उसी में आदमी के लोग। मुझे गर्व होता है इस बात पे कि आपने जो ताकत मुझे दी, आपने जो संघर्ष करके, मेहनत करके, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल, गाड़ी से, दिन रात धूप बारिश किसी भी चीज की परवाह न करते जो आपने आंदोलन करके सरकार को तानाशाही करने से रोका है, उसकी जो चिंगारी आपने शुरू की थी आज वो मसाल बन चुकी है और पूरी दुनिया उस लाइन में आपके पीछे खड़ा होना चाहती है। तमाम अम्बेडकरवादी लोग, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले तमाम जातियों के लोग वो आज आपके पीछे खड़े हो जाना चाहते हैं। ये कड़ी आज हुई है, कोई धर्म के नाम पे सताया गया है, कोई जाति के नाम पे सताया गया, कोई अधिकारों के नाम पे सताया गया। आप सब जानते हैं कि देश का SC ST OBC माइनॉरिटी और अन्य अपर कास्ट में भी वो लोग जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं वो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। अब मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं, क्या है अपने मुल्क को आप सलामत रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं जिस तरह से बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा है, क्या वो संविधान सुरक्षित रखना चाहते हैं? एक और बात, दो लाइनों में आपको दो बात याद दिला रहा हूं। पहली बात ये, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर आगरा की धरती और आगरा खुद में दलितों की राजधानी ये पूरी दुनिया जानती है। 18 मार्च 1956 बाबा साहब ने एक भाषण दिया था, मैं उसको दोहरा रहा हूं। बाबा साहब ने रोते हुए भाषण दिया था, इस बात को जरा ध्यान से सुनना कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी मुश्किलों से मैं इस कारवा को यहां तक लेके आया, अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कारवा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? और जिन लोगों के होते हुए जा रहा है, यानी क्या आप लोगों के होते हुए जा रहा है, तो आप बाबा साहब के सपूत हैं या कपूत हैं? अगर किसी की विरासत उजड़ रही हो और जो उस समय मौजूद हो तो वो वफादार है, कसार है। अगर मैं ऐसा नहीं सोचता हूं क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा कि मुझे मूर्तियों में मत सोचना, मैं किताबों में। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाए तो मुझे बराबर मत समझना, मैं तब तक जिंदा हूं जब तक भारत का आप इस संविधान की सुरक्षा करेंगे तो मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। आज संविधान खत्म किया जा रहा है, एकमात्र रास्ता जो माननीय साहब का आश्रम दिखा रहे हैं कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो, जब आप विधानसभा में बहुमत में, तो आप सड़क पे बहुमत में रहना, जिससे सरकार किसी की भी नहीं लेकर से तमाम दिल्ली से लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, ये जो दंगे कराए जा रहे हैं, इतिहास गवाह है कि ये व्यवस्था छल कपट शाम दाम दन भेद बनाकर हमेशा आपको कमजोर कर देना चाहती हूं। हमारी मूवमेंट तोड़ने की नहीं है, हमारी मूवमेंट जोड़ने की है कि देश के बहुजन समाज को और उन लोगों को जो बाबा साहब के संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं। आज जरूरत है कि नौजवान कमर कसे और जैसे आपने मेरा साथ लंबे समय तक दिया तो मात्र 2 साल युवा आराम न करेगा। अगर 2 साल नौजवान अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगा तो मैं लिख के देता हूं कि लखनऊ की जो कुर्सी है वहां आपका भाई बैठा होगा। काम नहीं होगी कि आप लोगों पे अत्याचार करें या आपके देश के संविधान को खत्म कर दे। अत्याचार कौन करेगा? हम करेंगे।